السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے، اور درود و سلام نادل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصا امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج بروز اتوار 25 دسمبر 2022 کو آسنسول کی اس قدیم اور تاریخی مسجد میں دعوت قرآن و سنہ کے عنوان سے اراکین جمعیت اہل حدیث آسنسول کی جانب سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس کا سلسلہ بعد نماز عصر سے شروع ہوا اور انشاءاللہ الرحمن عشاء تک جاری و ساری رہے گا. دو نشستوں پر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. پہلی نشست میں دو تقریریں آپ نے سماعت کی ہیں،
फिर दूसरी नशिश की दो तकरीरें भी, दो खिताबात भी आपने सुन लिए, टूटे फूटे अंदाज में। तीसरी तकरीर के की सूरत में मुझे भी कुछ बयान करने का मौका मिला है। इस पर मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने अपने दीन की तरवीज व इशाद के लिए हमें यह मौका फराहम किया, साथ साथ यहां की जमीयत के भी शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे इस लायक समझा। मस्जिद के इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूं, साथ साथ इस मजलिस में शरीक होने वाले अवामो खवास, छोटे बड़े, बुजुर्ग, औरत और मर्द, उन तमाम के शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस छिटरती हुई रात में अल्लाह के घरों में से खास घर आसनसोल की इस पुरानी और कदीम जामे मस्जिद में आप तशरीफ फरमा है और उलमाए किराम के मवायद हसना से महजूज हो रहे हैं। आप सब मुबारकबादी के भी मुस्तहिक हैं और शुक्रगुजारी के भी लायक हैं। अल्लाह हम तमाम के इस मिल बैठने को कबूल फरमाए और जो बातें किताब सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुंचाई जा रही हैं उन बातों पर अमल पैरा होने का जज्बा भी अता फरमाए। जनाब सदर, मुअज्जज़ उलमाए किराम, सामीन और सामियात, जिस उनवान के तहत मुझे कुछ बोलने का हुक्म दिया गया है वह है फितनों के दौर में बच्चों की तरबियत। हो सकता है कि जज्बाती तकरीर आपके सामने न हो, वैसे आम तौर से जज्बाती खिताबात के सुनने के लोग आदि हो चुके हैं। अजीजम इमरान अहमद सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्लाह ने घनगरज आवाज में आपके सामने तकरीर की है और हमने देखा है कि सोए हुए लोग भी माशाअल्लाह जाग गए। मेरे लिए फायदा हुआ कि सोते हुए को उन्होंने जगा दिया। हम आहिस्ता आहिस्ता लोरियां आपको सुनाते हैं मगर अल्लाह के वास्ते सोइएगा नहीं बल्कि सुनने के लिए तैयार रहिए। हम तन गोश होकर कुरानी आयात के तर्जमे को समाप्त कीजिए इस अकीदत और नजरिए के साथ कि जो बातें किताब सुन्नत की रोशनी में आएंगी उन बातों को गले लगाएंगे और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बात भूल की शक्ल में चली जाए तो आप मुझे जरूर इसलाह फरमाएंगे। अल्लाह ताला इसलाह कबूल करने की भी तौफीक हमें बख्शे, आमीन। उन्वान है फितनों के दौर में बच्चों की तरबियत। सबसे पहले ये समझिए कि फितना है क्या चीज। फितना, फितना फसाद आमतौर से बोलते हैं। अरबी में फितना आजमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। जहां इम्तिहानात हो, जहां आजमाइशें हो, जहां चैलेंजेस हो, वहां अपनी औलाद की तरबियत अब कैसे करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं फितना की शक्लें मुख्तलिफ हैं। कभी दुनिया का फितना होता है तो कभी दीन का फितना होता है। हमें दुनियावी फितनों को भी समझना है और दुनियावी फितनों के साथ दीनी फितनों को भी समझना है। बल्कि याद रखिएगा दुनियावी फितना कमजोर होता है और दीनी फितना बड़ा मजबूत होता है। दुनियावी फितना के नतीजे में आप अकेला गुमराह होंगे लेकिन दीनी फितना के नतीजे में आमतौर से इंसान कुंबा
गुंबद गुंबद को गुमराह कर देता है और उसे बर्बाद और तबाह कर देता है। इस तरह आप समझने की कोशिश कीजिए कि फितना दर हकीकत फितना है। जिस फितने से जो इंसान दो चार होता है उसका निकलना वहां से दुश्वार भी होता है, लेकिन अगर कोई इंसान फितना की संगीनी को समझ लेता है तो फितना से हजार बार दूर रहने की संयम मशहूर भी करता है और खालिस कोशिश भी करता है। यह बात याद रखिए, शिर्क एक फितना है। यह बात याद रखिए, शिर्क एक फितना है। यह भी याद रखिए, बिदत भी एक फितना है। और यह भी याद रखिए, दीन के नाम पर असलाफ की राह से भटकना और भटकाना यह जबरदस्त फितना है। इलावा जी, जिस चीज को जहां से लेना चाहिए उस चीज को वहां से लेने के बजाय किसी दूसरी जगह से लेना, यह गौर जबरदस्त फितना है। फितने की हकीकत को समझिए। इंशाअल्लाह रहमान इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपके सामने आएंगी जिसमें औलाद की तरबियत भी है और फितना से निजात याबी का तरीका तरीका और सरीका भी इंशाअल्लाह बताया जाएगा। कुरान मजीद में सूरह है 30वां पारा में जिसका नाम है सूरह लुकमान। ये लुकमान कोई नबी नहीं है, लुकमान हकीम के नाम से आप जानते हैं, बड़े दाना अकलमंद इंसान है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की है और जिस अंदाज से नसीहत की है, ये नसीहत भी अल्लाह को बेइंतहा पसंद आई और वह अंदाज भी अल्लाह तबारक तआला को बेइंतहा पसंद आया। नतीजे के तौर पर एक आम इंसान की बात को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान की आयत बना दी। इस अंदाजा लगाइए उस इंसान की बात की अहमियत कितनी है, उसे अल्लाह तबारक तआला ने अपनी जबान से अदा किया, लोहे महफूज में जमा कराया, जिब्रील अमीन को अता किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे याद भी किया, उसकी किताबत भी करवाई और रहती दुनिया तक जो इंसान अहले ईमान व कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है तो सूरह लुकमान में हजरत लुकमान की इस नसीहत को आयत कुरानी की रोशनी में तिलावत करता है। एक बाप है और बेटा है, उनवानीन है। फितनों के दौर में बच्चों की तरबियत, बच्चा बगैर बाप का तो नहीं होता, तो बाप की जिम्मेदारी क्या होती, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। पहले ये बात याद रखिए, बच्चा हो या बच्ची जिसे हम औलाद कहते हैं, ये आपकी आंखों के नूर भी है, दिल का सुरूर भी है और इन चीजों के साथ साथ आपकी नस्ल के बका का सरिया भी। अगर किसी इंसान की औलाद नहीं होती वह उसकी नस्ल वही कर जाती, और अल्लाह तबारक तआला ने औलाद से नवाजा होता है तो उस औलाद के जरिए उसकी नस्ल चलती। आदम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल है, नूह अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल है वगैरह दालिक। तो ये जो नस्लें हैं ये औलाद की शक्ल में फलती फूलती है और बढ़ती नजर आती। तो औलाद अल्लाह तबारक तआला की एक अजीम नेमत है, उस नेमत की कदर कीजिए और उसकी हर जगह पर उसकी सही तरबियत कीजिए, उसकी निगहदाश कीजिए, उसकी निगहबानी कीजिए, उसकी निगरानी कीजिए, उसकी रहनुमाई कीजिए। अब कुरान के उस अंदाज को सुनिए, इज قال لقمان لابنه وهو يعظه, उस वक्त को याद कीजिए जब हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा इस हालत में कि उन्हें नसीहत कर रहे थे, गोया दीन की बातें बताने के लिए नासिहाना अंदाज अपनाना चाहिए, दीन की बात सिखाने के लिए नसीहत पर मुश्तमल गुफ्तगू होनी चाहिए,
दीन की बातें सुनाने के लिए जिनको दीन सुनाते हैं उन्हें अपने करीब भी करना चाहिए। कैसे करीब किया? कुरान कहता है इذ قال لقمان لابنه وهو يعظه, जब हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, जब कहा अपने बेटे से नसीहत करते हुए, अंदाज क्या था? या बुनैया, या इब्नी कह सकते थे, ए मेरा बेटा, या बुनैया, ये प्यार भरा अंदाज है, कहते ए मेरे चुन्न मुन्नो, ए मेरे आंखों का तारा, ए मेरे बुढ़ापे का सहारा, ए मेरे दिल का सुरूर, ए मेरी निगाहों का नूर, लखते जिगर नूरे नजर, इस तरह जुमले बोलते ना, उसी चीज को कुरान मुकद्दस ने हजरत लुकमान की जानिब से नकल किया है, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। मतलब क्या हुआ? जिसको सुना रहे हैं उसे प्यार से अपने करीब लाइए, और प्यार से करीब लाकर सबसे कड़ी बात सुनाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के प्यार में आप मुब्तला हो जाए और नतीजे के तौर पर सही बात ना बोले, नहीं, एक तरफ प्यार करने का हुक्म दिया गया, दूसरी तरफ कड़ी से कड़ी बात करने की ताकीद भी की। दुनिया में सबसे कड़ी बात क्या कहते हैं? शिर्क से नफरत दिलाना। क्या फरमाया? या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। क्यों? इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। कुरान के इस अंदाज पे गौर कीजिए, ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे प्यारे, ए मेरे अजीज, ए मेरे आंखों का नूर, ए मेरे दिल का सुरूर, ये बात सुनो, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला तुशरिक बिल्लाह इन कुत्तिलता हुर्रिकता, अल्लाह के साथ शरीक ना करना अगर जो तुम बूटी बूटी काट दिए जाओ या जला के राख बना दिए जाओ। क्या मतलब हुआ? शिर्क बहुत बड़ा फितना है। सबसे पहले इस बड़े फितने से रोकने की कोशिश की गई और बाप ने बेटे के जहनो दिमाग में रचा बसा दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। वजह क्या है? इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। ये तो है पहली नसीहत। अब कुरान का अंदाज देखिए, एक बाप ने बेटे को नसीहत की है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, तो अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे बाप की कदर मंजिलत को इस तरह पहचानवाया है और दुनिया वालों के सामने तारुफ करवाया। उसके बाद की आयत पढ़िए, लंबी तफसीर नहीं हो सकती, ये वक्त कम है, मुख्तसर मैं बात करके आगे बढ़ता हूं। बस सही रही इंसान अभी वाले नहीं ही हमारे तो उम हूं वहन अला वहन विशाल हूं फी आम है अनिश्कुर ली वाले वाले देख इलैय मसीर। जब बंदा खास हजरत लुकमान ने अल्लाह के साथ शिर्क करने से अपने बच्चे को मना किया है तो अल्लाह तबारक तआला ने बच्चों से कहा कि सुनो, हम तुम्हें वसीयत करते हैं कि अपने मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। और बतौर खास मां का जिक्र किया, हमलत हु उम्मुहु करह कुरहन वजाद कुरहा, तकलीफ दर तकलीफ उठाकर मां ने तुम्हें अपने पेट में तुम्हारी परवरिश की है और फिर उसके बाद दर्द दे की सोबतों को झेलकर तुम्हें दुनिया में लाया है। उसके बाद क्या किया? दो साल तुम्हें दूध पिलाया, प्रोफेसर लूफी आए, दो साल तक मुकम्मल दूध पिलाया। उसके बाद क्या कहा? अनिश्कुर ली वाले वालिदैक, मां बाप दोनों से मुतालिक उस औलाद को यह सिखलाया है, इन्हीं मां बाप के जरिए से तुम दुनिया में आओ, पैदा मैंने तुम्हें किया है, तखलीक हमारी जानिब से तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम आसमान से टपक नहीं गया हो, बल्कि तुम्हारे लिए मां बाप का मेल मिलाप जरूरी था,
उसके लिए शादी के रस्म रचाए गए और शादी कराने के बाद दोनों बंद कमरे में हुए और नतीजे के तौर पर तुम्हारी तखलीक और पैदाइश हुई और मैंने तुम्हें काम किया। चूंकि मैं तुम्हारा खालिक हूं इसलिए मेरा भी शुक्रिया अदा करो, और इस दुनिया में आने के लिए अपने माँ बाप के मोहताज हो इस मुनासिबत से अपने माँ बाप को भी शुक्रिया अदा करो। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, क्यों कहा इलैयल मसीर, याद रखना मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे या माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो भाग के जाओगे क्या, मौत से दो चार होगे, मरोगे मेरे ही पास आओगे। मैं पूछूंगा, पुरसिश करूंगा, सवाल करूंगा, इतनी नेमतों से मैंने तुम्हें नवाजा था, उन नेमतों की कदरदानी तुमने की थी कि नहीं की थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए मुशक्कतें झेली थी और तकलीफों को बर्दाश्त किया था, तुमने अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया था कि नहीं किया था, क्या जवाब होगा? इसने फरमाया मेरा भी शुक्रिया अदा करो और माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इलैयल मसीर, मेरे पास लौट कर आना है। इसके साथ एक और बड़ी अहम बात, मां बाप का बड़ा एहसान, ताजीम और तकरीम बजा लाना बिल्कुल जरूरी, अदब और एहतराम में किसी किस्म की कमी नहीं कर सकते, शुक्रगुजारी भी उनकी चाहिए, देखरेख भी उनकी चाहिए, निगहदाश निगहबानी भी उनकी चाहिए, लेकिन वहीं जा हदा गायला अंतु श्री कभी मालई से लग भी फला तुती हूं मां व साहिब हूं मां फिर दुनिया मारूफा वक्त तभी सभी लमनाना मेले इले ये मर जो हुकुम फोन अब बेहुकुम में बाकुम तुम तामल। क्या फरमाया? अगर ये मां बाप जिनके जरिए से तुम दुनिया में आए हो, जिनकी शुक्रगुजारी तुम्हारे जिम्मे लाजिम है, अगर ये बाप तुम्हें कहें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दो, वहीं जा हदा का अलान तुश्री का बी माले से लगा बिल, जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है उसको मेरे साथ शरीक कर दो, अगर ये तुम्हारे माँ बाप के तो क्या कहेंगे? फला तुती हूं मां, ऐसे माँ बाप की बात ना मानना। लेकिन उसके साथ एक चीज और लगाइए, तरबियत के पहलू से इसे याद रखिए, क्या है? वसाहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, उनकी वो बात जो खिलाफ शरीयत है, जो शिर्क पर मुश्तमल है, नहीं मानी जाएगी, उसमें उनकी ताबेदारी नहीं की जाएगी, लेकिन याद रखना दुनियावी एतबार से उनकी मुराद करने में, उनकी खास तवज्जो करने में आप किसी किस्म की कमी नहीं कर सकते। क्या फरमाया? वसाहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, दस्तूर शरी के मुताबिक उनका साथ दीजिए, उनकी बात मानिए। चूंकि मैं हिकमत की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊं, आजकल हमारा नौजवान तबका इल्म की बुनियाद पर कुछ मसाइल सीख लेते हैं, शिर्क बिदत के मामलात को कुछ जान लेते हैं, उसका सबसे पहला फतवा उसके घर में आता है, तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम बिदअती हो, तुम जहन्नमी हो। सुना है ना, ये फितना जबरदस्त है। दीन थोड़ा सा क्या सीख लिया कि जिसके तरीके से इंसान दुनिया में आया उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, एक दो बार समझाया और वो समझने के लिए तैयार ना हो तो फौरन सिर को मुशरिक और मुनाफिक और काफिर और बिदअती होने के गोले उन पर दाग देते हैं और उसके बाद रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, नहीं हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों भाई? कहा उनका साथ दीजिए, साहिब माफी दुनिया मारूफा, दस्तूर के मुताबिक उनका साथ देना होगा, आप कमाते हैं उनको खिलाना होगा, जिस तरह बचपन में उन्होंने आपकी परवरिश की है उनकी निगहदाश करना होगा, उनके लिए दुआ करना रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए पलके बिछाना होगा, उनके लिए अपने बाजू को नरम करना होगा, उनकी खिदमत भी आपको करना जरूरी है, वो चाहे काफिर ही माँ बाप क्यों ना हो। हिकमत शरीयत के मुताबिक शरी चीजों में अगर
वो कुछ गलत करने का हुक्म देते हो तो याद रखिएगा उनकी किसी गलती में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से उनका भरपूर साथ देना आपके लिए जरूरी है। वसाइबु मा फिद दुनिया मारूफा, क्या फरमाया, वत्तबी सबील मनाना भाई, जो लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं उन्हीं के रास्ते पर चलो। ये अंबिया हैं, मुरसलीन हैं, सहाबा हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, सलफ सालिहीन हैं वगैरह वाले, उनके नक्शे कदम पर चलिए कि इन्होंने अपने काफिर माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव किया है। एक बाप अपने बेटे को तौहीद से मुतालिक दर्श देता है, वो नबी नहीं है, कुरान मुकद्दस ने उसकी बात को कुरान बनाकर पेश किया है। एक मुशरिक बाप के सामने मुवहिद बेटा का दर्श भी कुरान मुकद्दस ने नकल किया है। पढ़िए सूरह मरियम, इशारा करता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बाप को किस तरह नसीहत की है। काफिर कह के जहन्नम में नहीं ढकेला है, जिस तरह बाप ने बेटे को प्यार भरा अंदाज दिया है उसी तरह कुरान मुकद्दस ने बेटे की जानिब से बाप को समझाने पर बहुत प्यारा जुमला इस्तेमाल किया, या अबती ऐ मेरे अबू जान, ऐ मेरे अबू जान, इन्नी कद जानी मिन इल्म मा लम यातक फत्तबेनी अहदिका सिरातन सबिया। अबू आपके पास इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म है, मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूं, मेरी बात मानिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत जो उनको उन्होंने अपने बाप को की है उसे कुरान मुकद्दस की सूरह मरियम में अल्लाह ने जमा कर दिया, पढ़ लीजिए। बेटा नसीहत करे बाप को उसको भी जमा किया है, बाप नसीहत करे बेटे को अल्लाह ने उसे भी जमा कर दिया, और दोनों तरीके सिखलाया है कि दावत तबलीग के उसूल क्या है, किसी को हक बात समझाना बताना हो उसके तरीके क्या क्या। ये तो अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान से मुतालिक कुछ बातें जुमले मोतरजा के तौर पर बीच में दाखिल कर दी है, फिर उनके नसीहत को आगे बढ़ाया। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिसकाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाती औ फिल अर्दी याति बिअल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। देखिए तौहीद का गुण किस तरह समझाया जाता है। ए मेरा बेटा, कोई भी छोटी सी छोटी चीज, आपका अच्छा अमल हो या बुरा अमल, नेकी हो या बदी हो, या कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज हो, वो अल्लाह की निगाह से छिपी हुई नहीं है। वो पहाड़ की चट्टान में हो, आसमान की बुलंदी में हो, या जमीन की तह में हो, याद भी अल्लाह, अल्लाह उसे ले आएगा। कहीं गुनाह करेंगे जहाज में, अल्लाह उसे भी ले आएगा। कहीं गुनाह करेंगे कश्ती में समंदर के अंदर, अल्लाह उसे भी जाहिर कर देगा। कभी गुनाह करेंगे किसी कार और खो में छुपकर, अल्लाह उसे भी ले आएगा। इसी तरह कोई अच्छा काम जहां भी करेंगे, आसमान की बुलंदी में करेंगे या पहाड़ों के खो में करेंगे या जमीन की तह में करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे हाजिर करते। क्यों? इन अल्लाह लतीफुल खबीर। बताया क्या? बेटे को छोटी छोटी बात समझाइए, औलाद को छोटी छोटी बात बताइए जिसे आप छोटा समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो छोटा ही हो। इसलिए छोटा गुनाह हो कि बड़ा गुनाह हो, वो सब की सब अल्लाह तबारक व तआला के रिकॉर्डेड है, अल्लाह उसे आपके सामने हाजिर कर देगा। क्योंकि अल्लाह बारिक भी है, आपको चश्मा लगाना पड़ता है, दूरबीन लगाना पड़ता है, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सारी चीज अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में है, अर्ज कर दे। फिर फरमाया या अबती, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, क्या फरमाया उसके बाद? अकीमी सला वामुर बिल मारूफ वनहानिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करना। ऐ मेरे बेटे, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहना, भला काम भली बात का हुक्म देते रहना, बुरा काम और बुरी बात से रोकते रहना। और याद रखो, नमाज पढ़ना भी, नमाज पढ़ाना भी, भली बात का हुक्म देना भी और बुरी बात से मना करना भी, ये कोई आसान काम नहीं है।
یہ خطرناک چیز ہے. بہت سے لوگ کے کلیجے پر بڑا سا پتھر گر پڑے گا. اس لیے یاد رکھنا مخالفت بھی اسی انداز سے تمہاری زور و شور پہ ہوگی. تو کرو گیا وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر اس بات میں اس کام کے کرنے میں مصیبتیں تمہارے سامنے آ جائے، پریشانیاں تمہارے سامنے آ جائے، دقتیں تمہارے سامنے کھڑی کر لی جائے، روڑے تمہارے لیے اٹکائے جائے، پتھروں کا برسا برسا دیا جائے یا کانٹے بچھا دیے جائے، مشکلات در مشکلات پیدا کر دی جائے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، چون چرا نہ کرنا، اپنی مصیبتوں پہ صبر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے. ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کا کام ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ لقمان، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا شرک نہ کرنا، شرک خطرناک گناہ ہے. یہ بات یاد رکھنا، کوئی کام اگر چھپ چھپا کے کرو گے اللہ اسے بھی جان لیتا ہے. یہ بھی فرمایا بیٹا سنو، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. معاف کیجئے گا، میرے علم کے مطابق قرآن میں کہیں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. دو الفاظ ہیں، یا تو قرآن میں نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، یا قرآن میں نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، یا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. نماز اکیلا قائم نہیں ہوتی، جب مسجد آپ کے پاس موجود ہے تو فرد نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، بلا عذر شرعی کے اور مسجد سے دور رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. یہ اقامت صلاۃ میں داخل ہے. کیا فرمایا؟ نماز قائم کرنا. سردی کی رات ہے، چند لوگ تو چلے آتے ہیں، اب بیٹا کو یہ نماز قائم کرنا ہے. بیٹا اپنا خود پڑھتے نہیں، ہم بولتے نماز قائم کیجیے. اب فجر میں آئے تو بچے کو لے کے آئیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اب نماز قائم کرنے والے ہیں. تو نماز قائم کرنا جس میں جماعت کی پابندی بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے، اور سب شروط سلاب کی پابندی بھی ہے، اور ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ نماز ہے اقامت صلاح. اور پھر کیا کہا؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، بڑا اہم دو اصول ہے، بری باتوں سے منع کرنا اور اچھی باتوں کا حکم دینا. یہ کیا ہے؟ صبر آزما چیز ہے. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس پہ صبر کیجئے گا، کیونکہ صبر کرنا اولوالعزم پیغمبروں کا کام ہے. اس کے بعد قرآن نے اور بھی کچھ نصیحت کی. کیا کہا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اسی سلسلے کلام میں ہے، ولا تسائر خدک للناس، اپنا گال لوگوں سے مت پھڑا لینا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا. دو باتیں، کیا مطلب؟ لوگوں سے گال پھلانا، جھگڑا کر لینا، ایک دوسرے سے نفرت کر کے منہ موڑ لینا، بات چیت ہی نہیں کریں گے. السلام علیکم ادھر گھما لیا، السلام علیکم ادھر گھما لیا، اس کو کہتے ہیں منہ پھلا لینا، گال پھلا لینا، چہرہ پھیر لینا، محاورہ ہے. ولا تسعر خدک للناس، ایک بیماری ہوتی ہے جانور میں کہ جس کے نتیجے میں گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ سیدھی ہوتی ہی نہیں ہے. جو نفرت کی بیماری لگی، عداوت کی بیماری لگی ہے، اس کے نتیجے میں ایک انسان سلام جیسی دعا سے کرتا ہے، پھر بھی اس کی جانب تان جھانک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس جانور کی بیماری سے دو جا رہے ہیں. فرمایا ولا تسعر خدک للناس، یاد رکھو اپنے گال کو مت پھلائے رکھنا، یا اپنا منہ پھیرے مت رکھنا. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا. ایک باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا، اپنے بیگانوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوگا، چلنے کا انداز تمہارا کیا ہوگا، ساری تفصیلات آ رہی.
वला तमशी फिल अर्ज मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलना, पांव पटक पटक के चलना, ऊंची हील के सैंडल के साथ में खटाखट की आवाज के साथ चलना। और इसके अलावा गाड़ी अगर चला रहे लोगों को इस तरह भर्राबाजी करे कि बेचारे दूसरे गिरने पर मजबूर हो जाए, ये सब भी चलने में दाखिल है कि अकड़ के मत चलना। गाड़ी खरीदते हैं लोग, ऐसा गाड़ी चलाते हैं कि हम इंसान हैरान परेशान हो जाते। तो अगर अटक मटक के चलते वो भी मना है, बाइक सवार हो किस तरह चलते वो भी मना है, अच्छी गाड़ी अल्लाह ने आपको दी है और उसके अंदर लोगों को धौसा देते ये भी मना है। फरमाया भला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलना। क्यों? इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह तबारक व तआला इतराने वाले को, शेखी बघाड़ने वाले, फख्र करने वाले को दोस्त नहीं रखता है। फख्र करना अल्लाह की शान है, आप फख्र के लायक ही नहीं है। इंसान फख्र करता है अपनी पैदाइश पे गौर फिक्र कर ले, और थोड़ी देर के लिए रोजाना जब बाथरूम में दाखिल होता है और अपना कपड़ा खोल के बैठता है तब समझ ले कि वो कितना बेमजबूर है महज़। किसी का पेशाब नहीं उतरता तब परेशान है, किसी के बार बार पेशाब की कतरे टपकते हैं तब परेशान है। ये तो हमारा अंकाल है, एक ऐसे कतरे से हमारी तखलीक हुई है, अगर बदन में लग जाए तो भी मौजूद हो। किस बुनियाद पे फख्र करते हो भाई? कुरान ने क्या कहा? ला तमशी फिल अर्ज मरहा, अकड़ के मत चलना, तकबर मत करना, क्योंकि अल्लाह ताला इतराने वाले को और तकबर करने वाले को दोस्त नहीं रखता है। और जरा आगे बढ़िए, उसके बाद भी कुरान मुकद्दस ने नसीहत दी जिसमें बतौर खास कहा जोरदार आवाज में बात मत करना। वक्सिद फी मशयिक वहजुज मिन सौतिक इन अनकर लस्वाद लसौतुल हमीर। इख्तिसार से बातें हो रही हैं, तफसीर से मुतालिक आपसे गुजारिश करता हूं कि तफसीर किताबों का मुताला कर लीजिएगा। वक्सिद फी मशयिक, अपने चाल में दरमियानी रवि, दरमियाना रवि अख्तियार करो, न बिल्कुल मरियल की तरह चलो और न बिल्कुल दौड़ दौड़ के चलो, दरमियानी रास्ता अपनाओ। वगजुद मिन सौतिक, अपनी आवाज भी पस्त रखो। इन अनकर लस्वादी लसौतुल हमीर, क्योंकि आवाज में सबसे खराब आवाज गधों की ढिजू ढिजू की आवाज होती है। कितना चिल्लाता है, चिल्लाना मत। यह कुरान मुकद्दस के तर्जमा हल्का फुल्का, मैं चंद मिनटों में थोड़ी सी कुछ बात आपसे कह दूं। पहली बात, जो सबसे बड़ा फितना है शिर्क, हजरत लुकमान ने शिर्क से मना कर दिया। किसको मना किया? अपना बेटा को मना किया। बाप अगर मुखलिस होगा, दूसरों को बात में समझाएगा, पहले अपने घर के लोगों को समझाएगा। ये बच्चे कोरे जहन के होते हैं, इनकी दिल की तख्ती खाली होती है, तौहीद पर मुश्तमल जो बयानात इनके दिलो दिमाग में रचाने बसाने की कोशिश करेंगे, बचपन का याद किया हुआ अखीर वक्त भी याद रहता है। अगर बचपन में आपने गलत याद कर लिया है, बुढ़ापे में और जवानी में उसे सही करने की कोशिश करेंगे, बड़ी दिक्कत होती है। जो दुआएं आपको गलत याद करा दी गई, वो दुआएं आपके साथ लगी हुई है। तो बचपन में अपने बच्चों को सही याद कराइए, सही चीज बताइए। अगर जहन और दिमाग में डाल दिया शिर्क नहीं करना है, और फिर शिर्क के मुतालिक बताना यह है कि शिर्क हो या कोई कबीरा सगीरा गुना हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह से वजन नहीं है, तो आप वही समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे बच्चों आपके हाथ में मोबाइल है, देखा जाता है बच्चे आराम कर रहे हैं, कहां वो चादर ओढ़ के सो रहे हैं, छोटा गुना बड़ा गुना बच्चे कंबल ओढ़ के चादर ओढ़ के कैसे करते हैं गार्जियन को बताएं। आप सोचते हैं कि बच्चा बड़े आराम से सो गया, अंदर में मोबाइल चल रहा है और वो क्या देख रहे हैं? बच्चों से पूछ जाते ज्यादा होशियार है, फौरन बंद करेंगे, आप खोजते रहे जो मिलेगा भी नहीं। तो याद दिलाया इन्हा इंदको मिसबाल हब्बत मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन फिस समावाती, याद भी अल्लाह
छोटा बड़ा गुनाह का काम आपने किया है, आसमान की बुलंदी पे चढ़ के या जमीन की तह में घुस के या पहाड़ों की सुराखों में खो में जा करके, वो सारी चीज अल्लाह तबारक बताला की निगाह के सामने है। ये बच्चों को जहन में डालिए। और फिर उसके बाद नमाज से मुतल्लिक तासुर दिलाइए कि अल्लाह तबारक बताला की इबादत का जो सबसे अहम जरिया तरीका है वो नमाज बाज लग गए कि जिसके बगैर चारा कार ही नहीं है। और अपने नमाज की मुहाफ़ज़त अगर करना चाहते हैं, जिसमें कहा गया कि शिर्क नहीं करना है, तो तौहीद के नमूने को पेश करने के लिए नमाज जैसी ताकीद, नमाज जैसी इबादत की ताकीद की गई। और फिर उसके बाद कहा गया कि सुनो, शिर्क से बच लिए, गुनाह से बच लिए, नमाज कायम कर लिए, अपने हद तक इसे महदूद न रखना, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर करना। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताया गया कि ये भी याद रखो, ये कोई फूलों का सेज नहीं है, ये नरम गरम बिस्तर नहीं है, ये कांटों भरा बिस्तर है। तुम्हें इस सिलसिले में मुखालफतें आएंगी, मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मौके पर तुम्हारी जिम्मेदारी कि सब्र करना। अब इन चीजों के साथ साथ एक फितने की तरफ इशारा करता हूं और बात मेरी खत्म। मैंने शुरू में कहा था कुछ फितना दुनियावी होता है, कुछ फितना दीनी होता है। दुनियावी फितना ज्यादा खतरनाक नहीं है, उसे इंसान कर लेता है, गुनाह कर लिया, गलत सलत कर लिया, हराम कमाई कर ली, कभी एहसास होगा तो वो आदमी उससे तौबा इस्तिगफार कर लेता है। तो दुनियावी फितना से बचाने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। आप घर में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा माल ला के दे रहा है, पूछते भी नहीं माल कहां से आया, किसी का बैंक साफ कर दिया, सीसी का काम कर लिया, कॉल सेंटर का काम किया, बैंक का बैंक लूट के ले आया। अब हाजी साहब मस्जिद में नमाज अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और बच्चे की तरह से गाड़ियां और बाड़ियां और सवारी आपको मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी फितना है। ये फितना वो है कि जिस पर एहसास होगा कभी तौबा कर लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान दीन के फितने से दो चार होता है तो दीनी फितना ऐसा फितना होता है, इंसान पढ़ता है, पढ़ता है, पूछता है, पूछता है, जानकारी हासिल करता है, मालूम करता है, और नतीजे के तौर पर वैसा हो जाता है। अभी अब सुन रहे थे उलमाए किराम के खिलाफ उनके फतवे जारी हो जाते, जिन उलमा ने तर्जमा करके दिया है, चाहे कुरान का तर्जमा चाहे हदीस का तर्जमा हो, जिनसे आपने सीखा है, जिनके सामने आपने जानू तलमुस तय किया है, जिनसे पूछ के कुछ मसले आपने सीख लिए हैं, और कुछ दिनों के बाद अब मुफ्ती आदम बनते हैं, शायद गूगल से पूछते हैं और उसके बाद फतवा लगाना शुरू कर देते। ये फितना इतना खतरनाक है कि आवा दावा बिगाड़ कर दिया, खानदान का खानदान बिगाड़ कर दिया, मन हज सलम सालीम में चलने वाले की औलाद की पखिया उफेर कर दी। मेरे भाइयों, ऐसे फितनों से होशियार रही, कभी ब्रदर्स के फितना है, कभी इंजीनियर्स के फितना है, कभी डॉक्टरों के फितना है, कभी वकीलों के फितना है, इस तरह के बेशुमार फितने हमारे सामने आते रहते हैं और हम उसके होके रह जाते हैं। अगर बच्चे आपके दीनदार बनते हैं, दीनी शोर पैदा करते हैं, उनकी भी निगरानी कीजिए, ये सीखते कहां से हैं, ये आपको जरूरत है पूछने की, भाई कहां से सीखते हो, किसी मुस्तनद इल्म के सामने बैठे हैं, छात्रों ने मुस्तनद इल्म की बुनियाद पर आपसे बातें की है, कि सिर्फ जिसे टीवी ने अल्लामा बना दिया, सोशल मीडिया ने अल्लामा समा बना दिया, आप उनके पीछे दौड़ते हो। इतना खतरनाक फितना है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता, और नतीजे के तौर पर वह ऐसे अपने अइम्मा के खिलाफ, अपने उलमा के खिलाफ, अपने मुदर्रिसीन के खिलाफ, अपनी जमीयत व जमात के खिलाफ उनके फतवे होने शुरू हो जाते हैं, और नतीजे के तौर पर इंसान उससे किनारा कसी इख्तियार कर लेता। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस उन्वान के तहत जो बातें आपके सामने आई है उसे समझने की कोशिश कीजिए, और यह समझ लीजिए कि दीनी फितना हो कि दुनियावी फितना हो, हमें उससे दूर रहना है, और अपने औलाद को सही तरबियत भी देनी है कि सीखना हो तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की खालिस तालीमात को सलफ सालिहीन के मनहज के मुताबिक सीखिए और उसी पर कायम उदाम रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी भी सुन लिया और मान लिया। भी आप सुन रहे थे ना, तौहीद के नाम से कादियानी का चैनल है, इस्लाम के नाम पर सर्च कीजिएगा, इस्लाम के नाम पर जो सबसे पहला चैनल आएगा वो भी कादियानी का है। आप तो कहिएगा भाई तो है,
चूंकि आपकी बात शोर रही है इस मना से बस आप सबको ले लिए, बड़ा अच्छा लगे तौहीद के नाम पे कोई बात है कभी जोड़ देंगे। अरे हम तो वो हैं जो तौहीद परस्त हैं, शिर्क से नफरत दिलाते हैं, तौहीद पर मुश्तमल हमारे सामने गुफ्तगू आ रही है। इसलिए इस हकीकत को आप समझने की कोशिश कीजिए, आप हो, आपके घर के लोग हो, आपके जमात के अफराद हो, आपके बच्चे और बच्चियां हो, इन दीनी चीजों के हुसूल में अगर वो तरीका अपनाते हैं जो तरीका किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं है, उस पर कदकल लगाइए, उस पर पैन लगाइए, उसकी निगरानी कीजिए, उनसे पूछिए कि तुमने सीखा कहां से है। इस फितने को अगर दबाते हैं आपको भी सुकून मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप पर भी कुफ्र का फतवा लगेगा। आप 70 साल 75 साल तक किताब सुन्नत के दाई कहला रहे थे, कुरान हदीस के नंबरदार कहला रहे थे, कुरान हदीस के प्रचारक कहला रहे थे, लेकिन आपके घर का बेटा उठता है आप तो काफिर है, आप तो मुशरिक है, आप दीन से खारिज है, आपका तरीका ऐसा नहीं, इसे सुनने के लिए तैयारी है। मेरी गुफ्तगू खत्म होती है, मैं गुजारिश करता हूं कि जो जिन आयतों की तर्जमा या मुख्तसर तफसीर मैंने पेश की है इतनी पर बस नहीं है, अब उन आयतों की तफसीर तफसीर की किताब में जरूर मुताला कर लीजिए, और जिन उलमा से आपका मन भरता हो उनसे राब्ते कीजिए, उनकी खिदमत में पहुंचकर उसकी तफसीर सीख लीजिए। वक्त की किल्लत के पेश नजर चंद बातें आपके सामने इख्तिसार के साथ रखी गई, अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने और उसके मुताबिक अमल करने की भी तौफीक मत फरमाए। अकौल कौली हादा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।